नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष खांबिया और कल का अपन ने स्टार्ट करा था नया टॉपिक करंट अफेयर्स और आज की डेट है 7 अप्रैल 2018। आज अपन उसका Part-2 बना रहे हैं, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है अपना, भारत के वस्तुगत निर्यातों के निम्नलिखित में से किसका अंश सर्वाधिक है? ए ऑप्शन है रत्न एवं आभूषण, बी ऑप्शन है कपड़ा एवं संबंधित उत्पाद, सी ऑप्शन है अभियांत्रिकी वस्तुएं, डी ऑप्शन है पेट्रोलियम पदार्थ। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, अभियांत्रिकी वस्तुएं। तो आइए अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। यह शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है गुरुग्राम, डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका आंसर है ए, नई दिल्ली। आइए अपन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, असर्ट एंड यंग के वर्ष 2017 के पुरस्कारों जिनकी घोषणा फरवरी 2018 में की गई में निम्नलिखित में से किस एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? ए संजीव बजाज जो कि MD बजाज फिनसर्व, बी हरिमोहन बागुर श्री सीमेंट, उदय शंकर स्टार इंडिया, डी नंदन नीले कणी इंफोसिस। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, संजीव बजाज MD फिनसर्व। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के वर्ष 2018 के बाफ्टा पुरस्कारों के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फरवरी 2018 में दिया गया है? दोस्तों कल भी एक क्वेश्चन था, आज भी एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता होगा। इसका पहला ऑप्शन ए डार्केस्ट ओवर, बी द शेप ऑफ वाटर, सी ब्लेड रनर 2049, डी 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी। तो इसका आंसर दोस्तों आपको याद होगा, इसका आंसर है डी 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी। तो आइए अपन फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, इजराइल के सहयोग से पूर्वोत्तर में पहले क्षेत्रीय कृषि केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है नागालैंड, डी ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका आंसर है मिजोरम। आइए अपन सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, सरकार के ताजा निर्णयानुसार लघु उपक्रम स्मॉल एंटरप्राइज का दर्जा इस उपक्रम को प्रदान किया जाएगा जिसका वार्षिक कारोबार हो अधिकतम, ए ऑप्शन है 1 करोड़, बी 5 करोड़, सी 50 करोड़, डी 75 करोड़। तो इसका आंसर है 75 करोड़। तो आइए अपन चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपज को हरित सोना मतलब ग्रीन गोल्ड मानते हुए इसके संबंध में एक मिशन शुरू करने की सरकार की योजना है? ए बांस, बी गन्ना, सी सोयाबीन, डी केसर। तो इसका आंसर है दोस्तों बांस। आइए आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना आठवां क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा के 14वें ऑटो एक्सपो का आयोजन फरवरी 2018 में हुआ, ऑटोमोबाइल क्षेत्र की इस प्रदर्शनी का आयोजन कितने अंतराल पर होता है? ए प्रतिवर्ष, बी 2 वर्ष के अंतराल पर, सी 4 वर्ष के अंतराल पर, डी ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 वर्ष के अंतराल पर। आइए नवे क्वेश्चन पर चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2018 में उसके पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष लगभग कितनी राशि के थे? ए 300 अरब डॉलर, बी 400 अरब डॉलर, सी 500 अरब डॉलर, डी 600 अरब डॉलर। तो इसका आंसर है दोस्तों बी 400 अरब डॉलर। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दसवां क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 12 फरवरी, बी 22 फरवरी, सी 12 फरवरी, ए है 12 जनवरी और डी 22 फरवरी। तो इसका आंसर है दोस्तों सी 12 फरवरी।